नमस्कार, मैं हूं नृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है कमोडिटी मार्केट में या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, और आज एमसीएक्स पर गोल्ड ने एक बार फिर से नई ऊंचाई को छुआ और 49,000 के बेहद करीब पहुंच चुका था इंट्राडे में भाव। 48,982 की रिकॉर्ड ऊंचाई को गोल्ड ने टच किया। हालांकि उसके बाद करीब करीब 300 रुपए उस लेवल से भाव नीचे भी आ गया, लेकिन एक बड़ी तेजी के साथ हमने ट्रेड करता हुआ देखा। कल भी मार्केट ने रिकॉर्ड ऊंचाई को टच किया था, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं सौरभ गाडगिल, चेयरमैन है पीएनजी ज्वेलर्स के। हमारे साथ कोलिन शाह हैं, वाइस चेयरमैन है जीजेईपीसी के। हमारे साथ वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सौरभ गाडगिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, क्या लगता है आप लोगों का अपना अनुमान गोल्ड को लेकर क्या है, गोल्ड प्राइस को लेकर क्या है? नमस्कार मुझे, हम लोग देखो लास्ट वीक हमारी बात हुई थी और मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से गोल्ड 55,000 से 60,000 तक ऊपर जाएगा, तो गोल्ड का वही रुख लग रहा है। अच्छा। और जो जो तेजी आपको दिख रही है गोल्ड में, उसके कारण जैसे हमने बताया थे, बहुत से कारण है कि जो अभी कोविड क्राइसिस है, यूएस के आने वाले इलेक्शन है, चाइना इंडिया चाइना वॉर का जो अभी संकट दिख रहा है, ट्रेड वॉर चल रहे हैं, ऑयल क्राइसिस है, और लोगों में अभी तक बहुत एक घबराहट है कि अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे सेफ और सेफ्टी वगैरह पर्याय कौन सा है, और सबका तरफ ध्यान गोल्ड की तरफ जा रहा है। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि सोने में खरीदी ज्यादा हो रही है, बिक्री रीसेल का प्रमाण कम है, और लोगों में विश्वास है कि आगे जाके गोल्ड और ऊपर जाएगा, तो एक कंपनियां है, इंडिविजुअल है, सोने में अच्छी निवेशी कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से सोने में और हमको तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड में अभी तेजी बाकी है। शंकर सेन साहब, आपका अपना आउटलुक क्या है गोल्ड प्राइस को लेकर? क्या ये एक तरफा तेजी गोल्ड में अभी बनी रहेगी या एक शार्प करेक्शन भी हम बीच में देखेंगे? हाँ, कोलिन शाह साहब। हाँ, थैंक यू। देखो, जैसे अभी चल रहा है तो ये तेजी जैसे सौरभ जी ने बताया कंटिन्यूटी रहेगी। बहुत बाइंग हो रहा है ईटीएफ में, और सेंट्रल बैंक भी ग्लोबली अच्छा खासा बाइंग कर रही है। एक्चुअली जो ज्वेलरी कंजम्पशन है वो जैन से जून अगर आप देखोगे तो वो लोअर साइड ही रहा है, बिकॉज ये कोविड के कारण जब से फरवरी से चाइना में चालू हुआ था तो सबसे जो लार्ज कंज्यूमर जो है आज सोने के वो चाइना इंडिया और गल्फ रीजन है, तो तीनों में लास्ट 3-4 महीने से कंजम्पशन लो ही हुआ है। मगर ईटीएफ की जो खरीदारी हो रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की खरीदारी हो रही है उससे सोने का प्राइस $1,800 के ऊपर ही जाएगा, और शायद और भी बढ़ेगा जब तक के शायद कोई वैक्सीन के ट्रीटमेंट कोविड का ना मिले। तो अगले 2-3-4 महीने में ये बढ़ता ही जाएगा, और एक्चुअली अच्छा मौका है आज कंज्यूमर को भी हर लेवल पे खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आज ज्वेलरी अगर लेंगे और अगर अपना पोर्टफोलियो का 10-20% हिस्सा भी बनाया तो आज जितने भी दूसरे इन्वेस्टमेंट्स है उससे तो आज सोना अच्छा ही है, और आपको जो मेकिंग चार्ज है वो तो आपका अप्रिसिएशन में ही हो जाएगा। तो जस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगले 3-6-9 महीने तक भी सोने में अच्छी तेजी ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो मतलब जितने भी एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़े हैं किसी ने ये बात नहीं कही है कि गोल्ड में एक तेज गिरावट भी आ सकती है, सबके सब तेजी में है। लेकिन सौरभ गाडगिल जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि आप सब लोग ये कह रहे हैं कि गोल्ड में बड़ी तेजी अभी सामने आएगी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि अगर मान लीजिए अगले 3-6 महीने में शेयर बाजार के हालात बहुत बेहतर हो जाएं ग्लोबली, क्या तब भी लोग गोल्ड में पैसा लगाते रहेंगे या तब गोल्ड से पैसा निकलने का भी खतरा बढ़ेगा? क्या इस एंगल पे आप लोगों ने सोचा है? देखो,
शेयर मार्केट की बात करें तो मुझे मेरे हिसाब से ये साल में तो ज्यादा कोई रिकवरी की आशा कम लग रही है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड में उनके रिजल्ट जो अभी सेकंड क्वार्टर आएंगे थर्ड क्वार्टर के वो तो खराब होने वाले ही है, सबका बिजनेस कम हुआ है, तो ये चलते प्रॉफिटेबिलिटी टर्नओवर ये सब में स्ट्रेस आने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगले डेढ़ दो साल तक तो शेयर मार्केट तेजी का संभावना कम लग रही है, और जो लोगों से बात भी हो रही है जो लोग इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि उनका होराइजन अभी 2 से 3 साल तक है, कि उनका कहना है कि 2-3 साल तक तो सबसे सेफ और अच्छा रिटर्न गोल्ड ही रहेगा, तो वो हिसाब से बाइंग कर रहे हैं। ज्वेलरी बाइंग जो हो रही है वो लॉन्ग टर्म होगी, वो लोग भाव ऊपर आने के बाद बेचने की शायद नहीं सोचेंगे, जो बुलियन में इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड बार ले रहे हैं गोल्ड कॉइन ले रहे हैं, शायद वो लोग मार्केट जब स्टेबल होगा मार्केट ऊपर जाएगा तब वापस मार्केट के तरफ मुड़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगले 2 साल तक में तो गोल्ड में अच्छी तेजी दिखेगी, क्योंकि ये पूरा जो सिचुएशन है पॉलिटिकल सिचुएशन है ऑयल के क्राइसिस है या स्टॉक मार्केट है इसको टाइम लगेगा, और यही धारणा हर एक आदमी के दिमाग में है जो आके अभी सोने की खरीदी कर रहा है, तो हम लोग होपफुल है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, और स्पेकुलेशन ना करें लोगों को, हम वही हमारे इतने एडवाइस है कि लेना है तो आपकी सेविंग से लो और इन्वेस्टमेंट के तरीके से उसको उसकी तरफ देखो और लॉन्ग टर्म होराइजन रखो। ठीक है कोलिन शाह जी, अब मैं आपसे एक सवाल आपकी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूं। आप जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, डिमांड को लेकर के क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या आपकी जो इंडस्ट्री है वहां से क्या खबरें आ रही हैं, डिमांड के मोर्चे पर कुछ इंप्रूवमेंट है या अभी बहुत कम डिमांड है? डिमांड का नजर अभी फिजिकल डिमांड का जो डिमांड है वो 30-40% है, अगर आप देखोगे तो हमारे मेन मार्केट्स है यूएस चाइना यूरोप गल्फ रीजन और इंडिया, आप देखोगे तो ये 5 रीजन हमारे मेन मार्केट्स है। सो चाइना में अभी 30-40% पे रिटेल आ गया है वापस, यूरोप में भी काफी भागों में 30-40% पे आ गया है रिटेल वापस, यूएस में भी 30-40% लेवल पे रिकवरी हो गया है, इंडिया एक्चुअली इज ऑल्सो वही लेवल पे है। तो 30-40% हमारे सारे जो मेन मार्केट है उसमें वहां तक का लेवल आ गया है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर एंड तक क्वार्टर तक 60-70% पे डिमांड आ जाना चाहिए। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है लोग वापस जा रहे हैं, आपने चीन सॉरी क्या बता रहे थे, आपने चीन का जिक्र किया तो एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि एक्सपोर्ट, आपने कहा कि चाइना में, चाइना भी आपका एक एक्सपोर्ट का मार्केट है, क्योंकि हम लोग लगातार भारत में कभी चाइना के खिलाफ एक माहौल बन रहा है और चीन से इंपोर्ट पर लगातार शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है अलग अलग तरीके से जो भी हमारे ट्रेड रिलेशन है, तो ऐसे में क्या आप लोग ने भी कोई ऐसी योजना बनाई है कि चीन के अलावा दूसरे वैकल्पिक मार्केट तैयार किए जाएं एक्सप्लोर किए जाएं और चीन को आप एक्सपोर्ट ना करें, इसको लेकर कुछ पहल हो रही है क्या आपकी तरफ से? हम लोग जो बहुत कोशिश और मेहनत कर रहे हैं और वो लगातार बहुत सालों से कर रहे हैं, इसके नए मार्केट डेवलप तो करना ही चाहिए और कर भी रहे हैं, तो एक है साउथ अमेरिका, दूसरा है ईस्टर्न यूरोप और तीसरा है गल्फ के काफी देश जो पहले इतने ओपन अप नहीं हुए थे, लाइक आप सऊदी भी देख लो तो पहले वो दुबई के थ्रू बिजनेस होता था, अब सऊदी डायरेक्टली भी खुल रहा है, तो नए मार्केट तो क्रिएट करने की कोशिश कर ही रहे हैं, बट चीन भी क्या है एक बड़ा मार्केट है और हम लोग ऐसे यू नो ये जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सबके लिए ही अच्छा है, तो वो भी एक यू नो अच्छी चीज होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोलिन शाह जी आपका, सौरभ गाड़गिल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। वीरेन जी अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये तो बात हो गई।